विवेक आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में. थैंक यू ज्योति एंड थैंक यू टू द बॉलीवुड स्पाई फॉर हैविंग मी ओवर फॉर अ चिट चैट सेशन. थैंक यू. पहले तो यही क्वेश्चन है मेरा कि आपकी जो आने वाली वेब सीरीज है थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या कुछ आपका किरदार होने वाला है, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए. यार ये बड़ा मजेदार कैरेक्टर है जो मैं काफी हद तक रियल लाइफ में भी हूँ, तो उसको रील पे प्ले करने में बड़ा मजा आएगा. मैं थोड़ा सा अप्रिहेंसिव था क्योंकि डिजिटल को लोग इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट जब कोविड का दौर आया और यहाँ तक कि हाउसवाइफ्स ने और जितनी ये होमली लेडीज थी छोटे शहरों में, सबने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी मनोरंजन के साधन थे वेब सीरीज की देखना शुरू करा. एंड रातों रात डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोग स्टार बन गए जिनको नोबडी कुड एवर रिकॉग्नाइज. सो कमिंग बैक टू माय कैरेक्टर इन दिस वेब सीरीज, मैं बड़ा स्नूटी बिची जो हमेशा फैशन में चूर रहता है, किसी की कभी भी उतार देता हूँ तुम्हारा बैंड खराब है और तुमने कोऑर्डिनेटेड बैग नहीं लिया है, तुम्हारा फुटवेयर पे क्रीजी लाइंस है. सो बड़ा मजेदार है एंड यच यू नो नॉट टू नेगेटिव बट येट लिटिल स्नूटी एंड बिची टाइप, बट जिसका दिल बहुत साफ है. सो इट्स अ फन कैरेक्टर, करने में बड़ा मजा आया. अच्छा, जैसे कि आपने बोला आप रियल लाइफ में भी वैसे हैं, तो मतलब कितना इजी था ये या फिर कुछ डिफिकल्ट? यार मैं ना दिल का बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं जबान का खराब हूँ. आई कॉल अ स्पेड मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे से वो डिप्लोमेसी नहीं हो सकती कि या यू लुकिंग वेरी नाइस, भैया नहीं अच्छा लग रहा मुझे, नहीं अच्छा लग रहा. आई बी वेरी वोकल एंड वॉबल अबाउट इट एंड पीपल कॉल मी दैट विवेक तू बिच बन जाता है, यू आर अ बिच. डूड आई एम नॉट अ बिच, आई एम अ सुपर बिच. मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद. एग्जैक्टली. मतलब कहीं ना कहीं जैसे कि लोग ऐसे लोग को पसंद भी करते हैं जो जो भी है स्ट्रेट फेस पे, जो है बिल्कुल सही ज्योति. ऐसे लोग ना बड़े हार्मलेस होते हैं, जो लोग बहुत शुगर कोटेड होते हैं अपने शब्दों के साथ, बहुत स्वीट होते हैं, हर इंसान को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, वो कभी किसी के दोस्त नहीं हो सकते. ये मैंने जीवन में बहुत सारे अनुभव करे क्योंकि उनको सबको कुछ करना होता है, आप नहीं जानते कि उनके एक्चुअल दिल में क्या. और जो लोग बिंदास बेबाक मुंह पर होते हैं, उन्होंने जो कहना था कह दिया, दिल में कोई वेनम या कोई कटुता या कोई नेगेटिविटी नहीं रखी. True. और यही जानना चाहूंगी अब कि जैसे कि आपने बोला OTT प्लेटफॉर्म अब स्टार बन चुका है, ये तो सही बात है. और जिस तरीके से आप बड़ी बड़ी फिल्में यू नो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, जो कि थिएटर रिलीज इंतजार किया जा रहा था, तो आप इन सारी चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब जो OTT प्लेटफॉर्म का फ्यूचर है वो किस तरीके से होने वाला है एज एन ऑडियंस और एज एन आर्टिस्ट, आपका क्या कहना है? You know, I was surprised OTT platform पे भी अगर आप काम कर रहे हो, कितने बड़े बड़े बैनर्स एंड प्रोडक्शन हाउस आ रहे हैं OTT पे अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर. और एज एन ऑडियंस आई वुड ऑल्सो प्रेफर OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि आजकल अगर आप देखो तो कोविड की वजह से एंटरटेनमेंट में नए एपिसोड्स नहीं बन रहे थे, कोई नई चीजें नहीं आ रही थी, और इतने सारी चीजें जो थी वो हमें सिर्फ नेटफ्लिक्स की वजह से मालूम थी. हमें ये भी नहीं मालूम था कि MX प्लेयर है और कितनी सारी नई और सीरीज आ रही हैं. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, OTT प्लेटफॉर्म से बहुत सारे नए कलाकारों को फायदा हुआ जिन्होंने OTT कर रखा था, शायद उनको काफी रिकग्निशन मिली जो बहुत छोटे शहरों से आए हुए थे. और जो बड़े स्टेब्लिश TV के स्टार थे या फिल्म के स्टार थे और जिनके पास काम नहीं था या जिनको एक एप्रीहेंशन थी, उनको भी लगा कि देर आर डिफरेंट वेज ऑफ एंटरटेनमेंट, the way television is, the way theater is for acting, the way film is, similar way there is an OTT platform. And the best part is that you can watch it anytime. If you want to watch it at 3 o'clock in the morning and you're done with the work, you're sitting in your own car, you can watch it. There is no time foundation, no time limit. It's for everybody. Exactly. और ये भी जानना चाहूंगी जैसे कि यू नो अब आपने बात निकाली है आउटसाइडर, ये सारी चीजें अब हर जगह इसी की बात हो रही है, इनसाइडर आउटसाइडर, तो ये जो सारा सिनेरियो है आप किस तरीके से देख रहे हैं, व्हाट इज योर व्यू? देखो अपनों को सपोर्ट करना गलत नहीं है, लेकिन अपनों को सपोर्ट उस करना और किसी अच्छे टैलेंटेड इंसान को छोड़ देना, किसी अच्छे टैलेंटेड इंसान के टैलेंट को कुचल देना गलत है. और शायद भारत में ये प्रथा सदियों से चली आई है. अगर आप देखें तो जो एक अर्जुन का एक कॉम्पिटिटर था जिसने अपना अंगूठा काट के दे दिया था, अश्वत्थामा शायद नाम था उनका, क्योंकि गुरु को ये डर था कि अर्जुन से अच्छा तीरंदाज निशानेबाज वो ना बन जाए, और इस वजह से उसका अंगूठा ले लिया गया था. और अर्जुन को तो वो दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ नेपोटिज्म. और ये
कहीं ना कहीं गलत है, और यह हर जगह होता, परिवार में होता है, हर जगह होता। अगर हमारे पास माँ का कोई फेवरेट बच्चा होता है, जनरली माँ के फेवरेट नहीं होते, और शायद घर में एक एप्पल बचता है, तो छोटे बच्चा या जो फेवरेट बच्चा होता है उसको उठा के एप्पल दे देती है। तो हम कहीं ना कहीं इसको जीते चले आए, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा विजिबल हो गया। कितने टैलेंटेड लोग जो कि एक्चुअली डिजर्व करते थे, उनको काम नहीं दिया गया, उनको वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया कि वो अपने स्किल्स को लोगों के सामने दिखाएं, अपनी एक्टिंग को दिखाएं, जिनको कुछ भी नहीं आता था। आई एम सॉरी, मैं मुझे सबसे डम एक्टर कोई लगता तो वो सोनम कपूर है। ना फैशन का कोई आइडिया, ना एक्टिंग का कोई आइडिया, जस्ट बिकॉज शी इज अनिल कपूर्स डॉटर एंड हर मदर रब शोल्डर्स विद हूज हु ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी, शी इज गेटिंग द वर्क। व्हाट हैज शी डन इन हर लाइफ? सारा वही बोटॉक्स फेस, हर जगह वही सेम एक्टिंग स्किल्स, चाहे वो प्रेम रतन धन पायो हो, चाहे वो दूसरी फिल्में हो। सो और मैं स्वरा भास्कर की बहुत इज्जत करता हूँ, वो एक बहुत बेहतरीन अदाकारा है। मेरे उनके विचारिक वैचारिक मतभेद बहुत हो सकते हैं पॉलिटिक्स को लेके, चीजों को लेके, बट वो एक बहुत बेहतरीन अदाकारा है। मैं भूमि पेडनेकर को एक बहुत बेहतरीन अदाकारा मानता हूँ। ऐसे कितने सारे बेहतरीन कलाकार हैं जो नेपोटिज्म के तहत, जो फेवरेटिज्म के तहत ऊपर नहीं आ पाते, या उनको वो मुकाम नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए। जी जी, और जिस तरीके से कंगना रनौत वोकल हो रही हैं इन सारी बातों को लेकर, आप डेफिनेटली देख ही रहे होंगे, उनके बयानबाजी को सुन रहे होंगे, तो इस पर क्या टेक है आपका? आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि किसी ने इस विषय को उठाया और उसको इतना इतना ज्यादा बुलंद आवाज में बोल रहा है और लोगों के लिए बोल रहा है। जो सुशांत के साथ हुआ, या जो कंगना के साथ हुआ, जो बहुतों के साथ हुआ, कल को शायद वो मेरे साथ भी हुआ होगा और बहुत लोगों के साथ भी हो सकता है। कल को वो आपके घर का बच्चा हो सकता है, वो मेरा भाई हो सकता है, वो मैं हो सकता हूँ। हम लोग डरते हैं इस बारे में बात करने में। हमको लगता है कि जो हमसे बड़े हैं, या जो एस्टेब्लिश लोग हैं, या जो फिल्म फ्रेटर्निटी से आते हैं, हम उनसे पंगा क्यों लें? अगर वो हमको बोल रहे हैं कि दिन नहीं समय रात है, जबकि सूरज एकदम चढ़ा हुआ है, हम उनको वही बोलेंगे रात है? बिकॉज हमको अप्रूवल और एक्सेप्टेंस चाहिए होता है इंडस्ट्री में, तो हम उनके गलत को भी सही मान लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं गलत सही है। कंगना इज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, कंगना टॉक्स सेंस, कंगना हैज अ स्पाइन टू से थिंग्स ऑन द फेस। बाकी औरों की तरह नहीं, हम सबको मालूम है इंडस्ट्री में किस तरीके से चीजें हो रही हैं। बिल्कुल होता है फेवरेटिज्म। आप कितनी सारी फिल्में देखिए जी, आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो पास्ट में अपने? बिल्कुल, एक सीरियल बन रहा था जो बन नहीं पाया, और एक काफी लीडिंग कास्टिंग के उस समय, वो अभी कास्टिंग में भी हैं, प्लस वो क्रिएटिव हेड होते थे, उन्होंने बिग बॉस भी किया है, और बालाजी के प्रोडक्शन हाउस का था वो। ये इस बात को तकरीबन कई साल हो चुके हैं, 7-8 साल हो चुके हैं। तो उसमें कैरेक्टर था कॉलेज बॉय का, जो डिजाइनर बनता है, एंड ऑल दैट। काफी वो फैशन के ऊपर एक सीरीज थी, जस्ट लाइक अ फैशन मूवी, एक वो सीरियल था। सो आई वाज मेजरली कास्टेड लेटर ऑन, आई गॉट टू नो कि उन्होंने किसी और को ले लिया है और पायलट एपिसोड शूट कर लिया। क्यों? क्योंकि उस बंदे का जानने वाला या जानने वाली कोई भी उस प्रोडक्शन हाउस के उस समय सीईओ होते थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनकी शादी एक मराठी एक्ट्रेस सोनाली से हुई है, and that's how I got to know कि मुझे रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि उनके ऑलरेडी जैक्स थे। सो मेरे को उस समय बुरा लगा, मैंने इतना शायद उस समय काम नहीं कर रखा था, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके का जो कैरेक्टर था उसमें मैं बेहतरीन तरीके से फिट हो सकता था, रादर देन जिस तरीके के मोटे चबी को उन्होंने उस कैरेक्टर के लिए लिया था। देखिए, जो भी इंसान होता है जो एक्टिंग में आता है, उसको अपने प्लस एंड माइनस दोनों मालूम होते हैं, तभी वो एक बेहतरीन एक्टर बन सकता है। कल को अगर मैं सोचूं कि मैं रणबीर कपूर को, और या फिर क्या कहते हैं जो भी नए बच्चे, वरुण धवन को रिप्लेस कर सकता हूं, तो नहीं कर सकता हूं, दे हैव देयर ओन टैलेंट। बट कल को कोई सेकंड लीड है या थर्ड लीड है जो मुझे, जिसमें मैं फिट इन हो सकता हूं, और मुझे मालूम है कि इस कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से मैं निभा सकता हूं, और उसमें अगर प्रोबेबली आप किसी और को उठा के डाल देंगे, तो शायद वो गलत है। जी जी जी, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना ही हम बात करते जाएंगे उतनी चीजें आएंगी। तो बिग बॉस के बारे में बात करना चाहूंगी, बिग बॉस सीजन 7 में आप वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी हुई थी, तो मैं जानना चाहूंगी कि बिग बॉस के बाद क्या कुछ चेंजेस आए आपके लाइफ में?
सी मैंने बिग बॉस से पहले काम कर रखा था, बट वो एक होता है ना बिग बॉस एक आपको इंस्टेंट फेम देता है, इट्स जस्ट लाइक अ 2 मिनट मैगी नूडल की रातों रात आप यू नो एक घरेलू नाम बन जाते हैं. व्हाट यूज्ड टू हैपन अर्लियर विद सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की और प्रोबेबली कसौटी जिंदगी की. सो सेम थिंग कैन हैपन, बट आई थिंक लोगों को मुझे अब ऐसा अनुभव होता है करियर की शुरुआती दिनों में बिग बॉस नहीं करना चाहिए. अगर आपने सबाटिकल ले लिया, काम नहीं मिल रहा, तब आपको करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साल के लिए, हाँ परमानेंटली नहीं, एक साल के लिए जो इमेज आपकी बिग बॉस पे बनती है, और वो बनती क्या है, जो प्रोडक्शन हाउस या जो चैनल दिखाता है, भाई 24 घंटे में आपने क्या किया, वो 60 मिनट का एपिसोड बना जिसमें कि 20 मिनट आपके चले गए कमर्शियल ब्रेक के, एडवर्टाइजमेंट के 40 मिनट दिखाया गया, तो कुछ ही सीन्स कैप्चर हुए, तो दुनिया वैसा ही समझती. बट मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड थैंक्स टू द टीम हु वर्क on me and who got me into the series and who actually worked to make my image. वो you know कोई नहीं जानता था. Of course आप छोटे मोटे रोल कर रहे थे, आप episode कर रहे थे सावधान इंडिया टाइप एंड ऑल दैट सोनी की क्राइम पेट्रोल टाइप. Suddenly you do a big boss and you land at the airport, you go to the events, people come, children come, you know, so you become a very popular face. But उस image को maintain करना it's very hard. सेकेंडली एक हर जैसे होता है ना कि हर साल तीन मिस इंडिया आती है, वैसे हर साल बिग बॉस के कई सारे कंटेस्टेंट आते हैं. सो इफ यू आर नॉट बीइंग सीन देन पीपल डू फॉरगेट अबाउट यू, विच आई एम ओके. और एक चीज मुझे और रियलाइज हुई कि आपको इस भेड़चाल में बने रहने के लिए जरूरी नहीं कि आपको जो भी काम मिले, जो भी प्रोजेक्ट मिले वो करना है. महादेव की कृपा से आई एक्टिंग इज नॉट माई मेन प्रोफेशन दैट आई हैव टू रन माई बिल. सो आई विल डू वन प्रोजेक्ट इन 5 years आई एम ओके, बट आई विल नॉट डू 5 cheap projects जस्ट टू रन माई किचन एंड टू बी सीन ऑन टेलीविजन. अच्छा बिग बॉस 14 शुरू होने वाला है तो आप कितना फॉलो करते हैं हर सीजन को, कर पाते हैं? यार मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बट मुझे एक बात ऑनेस्टली बतानी है, जो मजे सीजन 7 ने दिए थे और जो इतने स्टीमी सीन्स हुए थे कि सेट पे पुलिस आ जाना, तो जितना हम लोगों ने एंटरटेन करा था वो एंटरटेनमेंट नहीं हो पाया. उसके बाद मुझे लगा जब से कॉमनर्स की एंट्री हुई ना, थोड़ा सा बहुत अग्रेसिव हो गया. अग्रेसिव इस हालत में हो गया कि बिकेम वेरी डर्टी, यू नो पीपल, हमारे टाइम में भी पीपल डिड गो पर्सनल, नेम कॉलिंग सब कुछ होता था, बट उसके बाद के वो कुछ चीफ कंटेस्टेंट, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट देन दे लाइक ओ मतलब कहां से किसको भी उठा के लेके चले आए. बट इनको एक एपिसोड बनाना चाहिए अंडे मॉल वालों को, जिसमें पुराने जितने भी धमाकेदार कंटेस्टेंट्स थे ना, उनको एक साथ एक बार लेके आना चाहिए एक सीजन में इकट्ठे. जी जी जी, कुछ ऐसा ही शायद हो सकता है, मे बी देखते हैं अब क्या कुछ प्लान करते हैं सीजन 14 के लिए. और ये जानना चाहूंगी आप योगा ट्रेनर भी हैं, तो वो कैसे चल रहा है उसके बारे में बताइए. बहुत अच्छा चल रहा है. मेरी मुझे लगता है कि मेरी पहचान एक योगा ट्रेनर के रूप में पहले हो और एक्टर के रूप में बाद में हो, तो वो बेहतर है. योगा ने मुझे ना बहुत संतुलित करके रखा. हम लोग योगा को खासकर योगा जो कि इंडिया से ओरिजिन हुआ, हम लोग बहुत योगा की उतनी महत्वता नहीं देते हैं अपनी जिंदगी में. योगा आपको एक संपूर्ण जीवन शैली जीने का तरीका सिखाता है. हमें लगता है योगा का मतलब क्या कि भैया हमें मोटापा चढ़ गया, हमें वजन कम करना, लेट्स डू योगा. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. योगा इज अ वे टू लीड अ बैलेंस्ड डाइट एंड अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल विद सर्टेन योगासन एंड प्राणायाम. और जब आप योग करना शुरू करोगे ना, तो ना कोई डिप्रेशन होगा आपको, ना कोई दिक्कत आएगी, और आप जिंदगी में खुश रहोगे. जिंदगी के जो भी उतार चढ़ाव हो उसको हंसी और खुशी के साथ आगे बढ़ोगे और उसका मुकाबला कर सकोगे. मैं बहुत सारी कॉर्पोरेट वर्कशॉप करता हूँ. मैंने बिग बॉस के बाद प्राइवेट ट्रेनिंग्स करनी बंद कर दी बिल्कुल. सो आई कंडक्ट लॉट ऑफ वर्कशॉप, आई डू लॉट ऑफ ऑफशोर योगा वर्कशॉप and that what keeps me going. उसके अलावा इतने सारे beauty pageant होते हैं, उसमें I do the yoga mentoring. So yes, that keeps me very busy and occupied. Okay, okay. अच्छा जाते जाते जानना चाहूंगी जरा web series के बारे में थोड़ी details दे दीजिए audience को कि कहाँ देख सकते हैं, क्या है सारी चीजें. बहुत ओके ये इंडिया के ही ऐप पे दिखेगी, ये नेटफ्लिक्स वगैरह पर नहीं आएगी. इंडिया का ही जाना माना ऐप है, उस पर दिखेगी. और काफी अच्छे सह कलाकार है जो कि कॉमेडी और एक्टिंग दोनों में उम्दा है. और आई होप दर्शकों को मेरा काम पसंद आएगा, क्योंकि मैंने कॉमेडी अभी कभी भी नहीं करी. और कॉमेडी में अगर मैं किसी को मतलब किसी से इंस्पायर होता हूँ जो मुझे इंस्पायर करता है, तो वो या तो वो टुनटुन जी थी या उसके बाद कृष्णा अभिषेक. आई थिंक उनका कोई तोड़ और सानी नहीं है.
मतलब वो एक रोते हुए भी इंसान को हंसा 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 के आंसू निकलवाते, मतलब वो इतने खूबसूरत अदाकार है, टुनटुन जी और कृष्णा इतने खूबसूरत एक्टर है। जी अच्छा, जाते जाते एक और क्वेश्चन, ऑब्वियसली बिग बॉस रिलेटेड है, सलमान खान की होस्टिंग। यार ओके, जो बॉलीवुड स्पाई को जानना चाहिए, आप जो दो दिन का एपिसोड देखते हो ना सैटरडे संडे, हमारे टाइम में एक दिन में शूट होता था, वो सैटरडे शूट होता था। सलमान होस्ट कैसे हैं इस पे कमेंट नहीं किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं। अगर उनका मन नहीं है तो वो हंस रहे हैं और एक घंटा यूनिट पे सेट पे सब उनका वेट कर रहे हैं, कमिंग बैक वो लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं। वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस भी हैं, जो कि बहुत लोगों को नहीं मालूम है। वो एक अच्छे इंसान भी हैं, जो कि कुछ मेरे एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे सेट पर हम लोगों के लिए खाना सलमान के घर से आता था वीकेंड पर, मतलब वो सिर्फ सैटरडे आते थे तो उनका कुक या उनकी मॉम बना के भेजती थी और सबके लिए आता था, खाना वाना कैरी करके लेके आते थे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिग बॉस में जिस तरीके से, आपको शायद याद होगा, एक बार शिल्पा शेट्टी जी ने भी होस्ट किया था, संजय दत्त जी ने भी होस्ट किया था, अर्शद वारसी ने होस्ट किया था, तो वो एक एक जो तरीका था ना, जो एक पर्सनल रैपो हर इंडिविजुअल के साथ, कंटेस्टेंट के साथ बनाने का, उसके अंदर थोड़ा स्पार्क लाने का, थोड़ा फन लाने का, आई वुड डेफिनेटली वांट कि कृष्णा एज अ होस्ट आए, या प्रोबेबली कोई और, थोड़ा कॉमेडी भी होनी चाहिए। यू नो एवरी टाइम होस्टिंग द शो शुड नॉट बिकम टू सीरियस थिंग। ओके ओके, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो जाते जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? खुश रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप का ध्यान रखिए और कभी भी अपने को किसी से कम मत समझिए। हर इंसान की इस दुनिया में जगह है। आप एक्टर बनने आए हैं, आप जो भी करने आए हैं, आप अपनी एजुकेशन जरूर कंप्लीट कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपको क्या किस तरीके से जरूरत पड़ जाए, और जो आपकी स्किल और जो क्वालिटी जो एजुकेशन है वो कोई नहीं ले सकता। और अपने को किसी से कम मत समझिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच विवेक हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग वेब सीरीज, और इसी तरीके से हम आगे भी बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति, थैंक यू बॉलीवुड स्पाई, थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस, बाय।